हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो फर्स्ट वन, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो इंस्क्राइब्ड एंगल, ये जो यहाँ पे आपको एंगल ए डी बी दिख रहा है, ठीक है, इस एंगल को कहते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल। दैट इज जो एंगल सर्कल के ऊपर बनता है, ठीक है। अगर ये एंगल सर्कल के अंदर बनेगा यहाँ कहीं पे, ठीक है, या फिर सर्कल के अगर बाहर बनेगा, ठीक है, तो उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहेंगे। हमें एंगल का जो पॉइंट है, ठीक है, वो सर्कल के ऊपर ही चाहिए, तभी वो इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एंगल ए डी बी में पॉइंट डी सर्कल के ऊपर है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। इसका जो थ्योरम है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। थ्योरम कह रहा है कि अगर ये जो आर्क है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है, जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंगल से जो बन रहा है आर्क ए बी, तो इस एंगल का मेजर इस आर्क के मेजर के हाफ होगा, ठीक है। अगर इस आर्क का मेजर 80 डिग्री है, सो इसके सामने जो बनेगा इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका मेजर 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो आर्क ऑफ मेजर है वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, जो दैट इज जो सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क का, ठीक है, सामने वाले आर्क का क्या होगा है, हाफ होता है, ठीक है। ये थ्योरम है, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। ओके, सो ये हमारा थ्योरम है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देन सेकंड, कि कोरोलरीज ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये क्या कहता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर कोई इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है, सेम आर्क को इंटरसेप्टेड है, दैट इज सेम आर्क को करस्पॉन्ड करते हैं, तो जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट्स मीन अब यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है हमें ए डी बी गिवन था, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ एंगल ए ई बी, ठीक है। अब ये एंगल है और ये एंगल दोनों भी डिफरेंट है, बट ये दोनों एंगल है, ठीक है, जो उसके सामने जो आर्क है, ठीक है, आर्क ए बी कॉमन है, ठीक है। तो एंगल, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर्क कॉन्ग्रुएंट, दैट्स मीन अगर ये सेम आर्क को इंस्क्राइब करते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ई बी। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में भी इसकी ज़्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके चारों भी वर्टाइसेस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके चारों भी वर्टाइसेस कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से प्रिपेयर करना। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि ए बी सी डी यहाँ पे साइक्लिक गिवन है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंटरी होंगे। दैट्स मीन्स कि इनके अपोजिट एंगल का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि एंगल क्या है, सप्लीमेंटरी। ओके, सो थ्योरम का प्रूफ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, बस हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। सो गिवन, अब गिवन में क्या है हमें यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, दैट्स मीन्स इनके अपोजिट एंगल का जो एडिशन होता है वह 180 होता है। सो एंगल बी एंड डी, एंगल बी और एंगल डी, बी और एंगल डी, इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, जब भी हम वो क्या कर लेंगे कि वो सप्लीमेंटरी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। देन एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका भी 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे सी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूफ करना है। देन प्रूफ में आर्क ए बी सी, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आर्क है ए बी सी, ये आर्क इंसर्ट इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ए डी सी, ठीक है। तो ये आर्क किससे कवर कर रहा है, जो उसके सामने जो एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है एंगल ए डी सी, ठीक है, ये एंगल सर्कल के ऊपर बन रहा है, तो ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इस एंगल के सामने ये आर्क है ए बी सी। तो हम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो थ्योरम थ्योरम क्या कहता है कि जो एंगल है वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, दैट इज एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी सी, ओके। इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली स्पेस इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्ट इंटरसेप्टेड आर्क ए डी सी। अब यहाँ पे एक और एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है कौन से आर्क को, ए डी सी। तो यहाँ पे जो आर्क दिख रहा है हमें ए डी सी, ठीक है, ये आर्क दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक है ए डी सी। अब ये आर्क को कौन सा एंगल इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट कर रहा है, एंगल कौन सा चाहिए हमें, इंस्क्राइब्ड एंगल चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे जो एंगल बी है, ठीक है, सर्कल के ऊपर है, इंस्क्राइब्ड एंगल है ए बी सी, उसके सामने वाला जो आर्क है वो ए डी सी है, ठीक है ना, ए डी सी आर्क है, तो हम एंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिमिलरली एंगल ए बी सी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, इट इंटरसेप्ट आर्क ए डी सी, ओके। सो यहाँ पे भी हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे, और क्या हो जाएगा, जो एंगल है एंगल ए बी सी वो आर्क ए डी सी का हाफ हो जाएगा, ओके। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। एंड अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, ये दोनों का एडिशन प्लस। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, आर्क ए बी सी, तो मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी सी, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे 1/2, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा आर्क ए डी सी प्लस आर्क ए बी सी। ओके, अब आर्क ए बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए डी सी, ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना बता रहा है यहाँ पे, 360 डिग्री। जैसे कि हमने आर्क ए डी सी, ये यहाँ से शुरू हुआ ए डी सी, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, ये पहला आर्क, और दूसरा आर्क जो था ए बी सी, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये अगर ये दोनों आर्क को हम मिला देंगे तो हमें कंप्लीट सर्कल मिल जा रहा है, तो पूरे सर्कल का जो मेज़र होता है वो 360 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पे कितना गिवन है, 360 डिग्री, ठीक है। आर्क ए बी सी एंड आर्क ए डी सी कंस्टिट्यूट अ कम्प्लीट सर्कल, ओके। सो 360 को 2 से डिवाइड कर दिए अगर हमने, तो हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। दैट्स मीन्स हमें यहाँ पे मिल गया कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज देयर फॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। हमने ये दो, ये एंगल और ये एंगल लेके हमने बता दिया कि इनका एडिशन कितना हो गया है, 180 हो गया है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी, दैट इज इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल सी और एंगल ए का एडिशन भी कितना है, 180 है, जिस तरह से हमने इसे प्रूफ किया है, तो हमें उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे लिखना है दोनों का एंगल का एडिशन कितना है, 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थेरम कंप्लीट हो गया है, हमने बता दिया कि दोनों भी एंगल का एडिशन कितना है, 180 है, दैट इज सप्लीमेंट्री है, ओके। देन जो इसके बाद में कन्वर्स है थेरम का, ठीक है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का कन्वर्स। तो थ्योरम क्या था, थ्योरम में हमें गिवन था अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंटरी होंगे। ठीक है, साइक्लिक गिवन था तो हमने बताया कि एंगल क्या है, सप्लीमेंटरी है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के एंगल सप्लीमेंट्री है दैट्स मीन वो क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो उसका कन्वर्स में यहाँ पे गिवन है, इफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंटरी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, गिवन नहीं है कि वो साइक्लिक है, और उसके अपोजिट जो एंगल है, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये क्या है, इफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंटरी। ठीक है, इनका पेयर क्या है, नहीं दैट्स मीन इनका एडिशन अगर 180 होता है दैट्स मीन क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो साइक्लिक है। ठीक है, वो साइक्लिक होना ही चाहिए, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ एक थ्योरम है, ये थ्योरम भी आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है, बस आपको ये पूरा थ्योरम लिख देना है। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है, इफ टू पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन सबटेंडेड सबस्टेन इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द फोर पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। सो थ्योरम क्या कह रहा है, अगर कोई लाइन पे दो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट डी है, ठीक है, और इसी पॉइंट से इनके कोई भी सेम साइड दैट इज या तो ऊपर की साइड ले लो या फिर नीचे की साइड ले लो, ठीक है, सेम साइड में दो डिफरेंट पॉइंट पे हम एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, उन्हीं दो पॉइंट के जरिए, जैसे कि यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी बना रहे हैं हम ए और डी से, ठीक है, और वो दोनों एंगल का अगर मेजर सेम आता है, ठीक है, इक्वल होता है, तब ये चारों भी पॉइंट क्या रहेंगे, साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट रहेंगे, दैट्स मीन्स ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर हम इनको एक ज्वाइन करके अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, जिसके जिस पॉइंट को हम कहेंगे कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ओके, तो ये थ्योरम भी आपको बस इसका एक बार यूज़ करना है, अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। नाउ प्रैक्टिस सेट 3.4, फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इन अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें ये चार वैल्यूज फाइंड करना है, गिवन में गिवन है कि जो कॉर्ड है, ठीक है, वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। अब इस सर्कल में जो रेडियस है हमें दिख रहा है कि ओ ए एंड ओ बी ये दो रेडियस है, और कॉर्ड ए बी कॉर्ड इस इनके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये तीनों भी ए बी ओ ए और ओ बी इक्वल साइड है। ओके, सो सॉल्यूशन, गिवन दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, तीनों भी हमें क्या गिवन है, इक्वल देखा रहे। सो अब हमें दिख रहा है कि ये जो है ट्रायंगल ओ ए बी एक ट्रायंगल है, और उसके तीनों भी साइड क्या है, इक्वल गिवन है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है या ये, देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। अब ये जो एंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है, और हमें पता है कि इसका हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, एंगल ए ओ बी का मेजर हो गया है 60 डिग्री। देन हमें एंगल ए सी बी फाइंड करना है, एंगल ए सी
बी। अब जो एंगल सी है ठीक है, सर्कल के ऊपर बन रहा है, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। और उसके सामने वाला जो आर्क है ठीक है, इंटरसेप्टेड आर्क, आर्क कौन सा है, ए बी है। तो थ्योरम क्या कहता है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का क्या होता है, हाफ होता है ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें इस आर्क की वैल्यू फाइंड करना होगी। एंड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में देखा था कि जो आर्क है ठीक है, उसका जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है ठीक है, वो दोनों की जो मेजर क्या मेजर की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। दैट्स मीन्स कि आर्क ए बी उसके सामने वाला सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। दैट इज, अब ये 60 डिग्री का है एंगल ओ, तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी, अब ये 60 डिग्री का, तो मेजर ऑफ आर्क कितना होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा ठीक है। तो हमें ये इसकी वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री। सो हमें मेजर ऑफ आर्क भी फाइंड करना था ठीक है ना, आर्क ए बी फाइंड करना था, ये भी हमें मिल गया है 60 डिग्री। अब हम एंगल ए सी भी फाइंड करेंगे, ओके। सो नाउ आर्क ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल एंगल ए सी बी ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो एंगल ए सी बी है उसके सामने जो आर्क है वो ए बी है ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो देयर फॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमें एंगल ए सी बी मिल गया है 30 डिग्री, ओके। देन लास्ट में है आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी। तो आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी, दोनों आर्क को अगर हमने ऐड करें तो हमें कितना मिल जाता है, 360 कंप्लीट सर्कल मिल जाता है, यानी कि दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ओके। सो हम 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300। देन हमें वही लिखना है। सो नाउ आर्क ए बी एंड आर्क ए सी बी कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल, दैट्स मीन दोनों का एडिशन 360 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर ये 60 गिवन है हमें, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360, ये उधर सब्सट्रैक्शन में चले जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक,
ठीक है, हमें गिवन है पी क्यू आर एस क्या है, साइक्लिक है। एन साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, पी क्यू साइड कॉर्ड ठीक है आर क्यू कॉर्ड के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ओके एंड एंगल पी एस आर, पी एस आर ये जो एंगल गिवन है ये हमें गिवन है 110। देन फाइंड द मेजर ऑफ 1 2 3 4, ये चारों का हमें मेजर फाइंड करना है। ओके सो सॉल्यूशन गिवन गिवन है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। ओके सो हम इसी का यूज करेंगे, क्या थ्योरम क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज उसके अपोजिट एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो हमें एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा, तो हम एंगल क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी कैन राइट एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पी एस आर हमें गिवन है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। ओके सिंस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमें गिवन था। ओके देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये इधर सब्सट्रैक्शन में चल जाएगा, 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके तो यहाँ पे हमें पहला फाइंड हो गया है। देन हमें मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर फाइंड करना है, पी क्यू आर हमें इस आर्क का मेजर फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आर्क है इसके करस्पॉन्डिंग में जो एंगल है, एंगल पी एस आर इंस्क्राइब्ड एंगल है, और जो आर्क पी क्यू आर को इंटरसेप्टेड कर रहा है, ठीक है हम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो एंड आर्क पी क्यू आर PQR is intercepted by inscribed angle angle PSR PSR। ठीक है हमने यहाँ पे लिखा है कि आर्क PQR है, उसके सामने जो इंस्क्राइब्ड एंगल है पी एस आर है, तो हम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी कैन राइट एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अब ये हमें गिवन है, देयर फोर 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो ये टू इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, देयर फोर 2 × 110 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, देयर फोर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री। ओके सो ये भी हमें फाइंड हो गया है। नाउ हमें देन मेजर ऑफ आर्क क्यू आर हमें फाइंड करना है, ठीक है क्यू आर। सो हमें गिवन है कि
साइड पी क्यू और क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। ठीक है, वैसे तो ये कॉन्ग्रुएंट गिवन होना चाहिए था, बट हमें ये कॉर्ड गिवन होना चाहिए था, बट हमें साइड दे गए तो भी हम इसे कॉर्ड ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो हमारे पास थ्योरम है, सिंस वी कैन राइट करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन राइट आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। ठीक है, यानी कि जो मेजर इस आर्क का होगा वही मेजर इस आर्क का होगा, दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो इनका मेजर भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। एंड पी क्यू एंड क्यू आर दोनों आर्क को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर्क पी क्यू आर, जिसका मेजर हमें गिवन है 220। दैट्स मीन दोनों इक्वल, इसके अगर इसे अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 110, दैट इज 110, 110। ओके, हेयर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। ठीक है, ये कितना है, 220 है, दैट इज मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। अब ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है कि दोनों भी इक्वल है, सो दोनों को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे हम 220 को तो हमें 110 मिलेगा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू एंड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। हम लिख देंगे सिंस बोथ आर्क आर कॉन्ग्यूरेंट। ओके, सो हमें आर क्यू आर की भी वैल्यू भी फाइंड हो गई है। ओके, सी भी हमें आर क्यू आर फाइंड करना था, हमें पी क्यू भी मिल गया है। अब हमें मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू ये एंगल। ठीक है, अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसके सामने वाला जो आर्क है पी क्यू है इंटरसेप्टेड आर्क, सो यहाँ पे हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे, ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल पी आर क्यू इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर पी क्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू हमने फाइंड किया है 110 है, 1/2 इंटू 110 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलैटरल एम आर पी एन इज अ साइक्लिक एन एंगल आर इज इक्वल टू 5x-13 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल टू 4x+4 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ आर एंड एन। सो हमें एंगल एन और आर की वैल्यू फाइंड करना है, हमें गिवन है कि क्वाड्रिलैटरल एम आर पी एन क्या है, साइक्लिक है। ओके, सो सोल्यूशन, क्वाड्रिलैटरल एम आर
पी एन इज साइक्लिक, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो हम यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, सी थ्योरम क्या कहता है कि उनके जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपोजिट एंगल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एम आर पी एन, सो आर और एन अपोजिट एंगल से एम और पी अपोजिट एंगल है, ठीक है, हमें आर और एन का काम है। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। देयरफॉर एंगल आर की वैल्यू गिवन है हमें 5x-13 प्लस एंगल एन की वैल्यू गिवन है 4x+4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5x+4x, 9x-13+4, ± - दैट इज -9 इज इक्वल टू 180। अब ये -9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180 + 9, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 180 + 9 189, देयरफॉर x इज इक्वल टू 189। अब ये 9 × x है, दैट इज 9 × x, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवीजन में चल जाएगा upon 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 9, 9 × 18, 9 × 9 दैट इज 21। सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 21। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे r और n में और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। सो नाउ गिवन दैट एंगल आर इज इक्वल टू 5x-13, सो 5 × x की वैल्यू हमने फाइंड की है 21 है, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 21 - 13, 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 -13। सो 105 - 13, 5 - 3 = 2, 10 - 1 = 9, दैट इज एंगल आर इज 92 डिग्री। एंड एंगल एन इज इक्वल टू हमें गिवन है 4x+4, ओके। सो 4x+4 दैट इज इक्वल टू 4 × 21 + 4, दैट इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 + 4, दैट इज इक्वल टू 88 डिग्री। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड मेजर ऑफ एंगल आर एंड एंगल एन, ओके। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 3.3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।